ये हमने आलू को बॉईल कर लिया है और इसको स्ट्रेनर से इसका पानी रिमूव करके इसके ऊपर हमने ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डाला और इसको फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख दिया है, जिससे ये ठंडा हो चुका है आलू, मतलब अच्छे से टाइट हो चुका है, तो टिक्की जो है क्रिस्पी बनेगी। अब इसे हमें फॉर्क की हेल्प से बिल्कुल अच्छी तरह से मैश कर लेना है। मैश किए हुए आलू में हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, 1 बारीक कटी हरी मिर्च, धनिया पत्ती, राइस फ्लोर, 2 टीस्पून कॉर्न फ्लोर। इससे जो है टिक्की बहुत ही क्रिस्पी बनती है, पर अगर कॉर्नफ्लोर घर पे अवेलेबल ना हो तो चावल का आटा भी काफी है इसको क्रिस्पी बनाने के लिए। अब ये सभी को मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल एक डो की तरह तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छी बाइंडिंग होती है चावल के आटे से हमारी। वैसे हमने चावल का आटा मार्केट से नहीं लिया, घर ही पे हमने चावल को मिक्सी में पीस के इसका पाउडर तैयार कर लिया है। अब इसकी हम इस डो से हम इसका टिक्की बनाएंगे। हाथ में ये हमने ऑयल लगा लिया है। अब इस डो को हम ऐसे लेंगे और जिस साइज की आप टिक्की बनाना चाहें उतना डो ले लें और खूब अच्छी तरह से इसको हम राउंड करेंगे, हल्का सा हम इसको प्रेस कर देंगे इस तरह से। ये मेरी एक टिक्की बन के तैयार हो गई है। इसी तरह से अब दूसरी भी हम बना लेंगे, खूब अच्छी तरह से इसको राउंड कर लेंगे, हल्का सा प्रेस कर देंगे बीच से, किनारे से ऐसे शेप दे देंगे। ये देखिए, दूसरी भी तैयार हो गई। इसी तरह सभी टिक्की हमें तैयार कर लेना है। ये सभी टिक्की हमने बना लिया है। तेल को कर लेना हमें बिल्कुल तेज गरम और अब इसमें हम ये टिक्की डालेंगे। देखिए, हमने सिर्फ 5 टिक्की बनाई है, एक साथ बहुत ज्यादा नहीं डालना है, धीरे धीरे हम इसे डाल देंगे। और फ्लेम को हम मीडियम लो कर देंगे और इसे बिल्कुल टच नहीं करना है जब तक ये अच्छी तरह से एक तरफ से सिक ना जाए। टिक्की एक तरफ से हमारी फ्राई हो चुकी है, अब इसकी हम साइड चेंज करेंगे। अब ये दूसरी तरफ से फ्राई होगी। लास्ट में हम हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक इसे और अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे। टिक्की हमारी फ्राई हो चुकी है, फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और इसे हम बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा ऑयल इस तरह से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए, अब हम इसे निकालेंगे। और अब इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। ये हमने इसकी प्लेटिंग कर ली है, देखिए कितनी क्रिस्पी और टेस्टी बनी है। हम आपको इसकी आवाज सुना दे रहे हैं, देख रहे हैं ये कितनी क्रिस्पी बनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को पुश कर दे, तो इससे मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे।